जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश लाडली बहना आवास योजना के तरफ से मध्य प्रदेश की जो महिलाओं है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योजना जो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो योजना है सितंबर 17 तारीख से इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अक्टूबर महीना तक सभी महिलाओं ये योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना आवास योजना के लिए महिलाओं किस तरह आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन महिलाओं को पैसा मिलेगा दोस्तों, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है और फॉर्म के साथ क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला है। कि दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तरफ से ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को भी आपको फिलअप करके कहाँ पर जमा करना होगा, इसका बारे में भी बहुत सारे महिलाओं का मन में कन्फ्यूज आ रहे हैं। और दोस्तों ऐसे भी महिलाओं को कहना है कि जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से घर मिला यानी कि पक्की मकान मिला है, उन सारे लोग मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, सारी जानकारी हम ए टू जेड में बात करेंगे। और दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके भी बारे में आप सभी को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के पास एक रिक्वेस्ट है, रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन थ्रू सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए लाडली बहना आवास योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का शुरू किया गया है। इस योजना के तरफ से मध्य प्रदेश की जो गरीबी महिला है, जिन महिलाओं के पास पक्की मकान नहीं है, उन सारे महिलाओं को आवास योजना के तरफ से पक्की मकान मिलने वाला है एंड दोस्तों पैसा मिलने वाला है, जिस पैसा से सभी महिला अपनी अपनी घर बना सकते हैं। दोस्तों ये जो योजना का आवेदन है ये फ्री में अभी आवेदन चल रहा है, 17 सितंबर से आवेदन शुरू हुआ है। ये जो आवेदन है आपको अक्टूबर महीना तक आप लोग कर सकते हैं। लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए पात्रता था दोस्तों, कौन कौन महिला ये योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं ये भी जानना बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन का मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए, आपका स्टेटशिप मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद ही आप लाडली बहना आवास योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद होता है जिनके पास पक्की मकान नहीं है उन ये योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके तीसरा नंबर पे आ रहे लाडली बहना आवास योजना के तरफ से महिलाओं को पर आवास दिया जाएगा यानी पक्की घर बनाने के लिए एक घर दिया जाएगा और महिलाओं का नाम लाडली बहना योजना लिस्ट पर है, उसके बाद ही आपको बहना आवास योजना के तरफ से घर मिलने वाला है। दोस्तों आवेदक महिला के पास खुद की पक्की मकान यानी दोस्तों लाभ नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से घर नहीं मिला है, उन सारे लोगों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तरफ से घर मिलने वाला है। दोस्तों पात्रता तो आप सभी को पता चल गया है, लेकिन अभी आपको बताने वाला है कि लाडली बहना आवास योजना के लिए जो फॉर्म है यह फॉर्म भरने के लिए आपको दस्तावेज क्या चाहिए। दोस्तों दस्तावेज के हिसाब से सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड यानी कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण यानी कि आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो, सभी बहना के पास ये सारे दस्तावेज होगा, उसके बाद ही लाडली बहना आवास योजना के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने का प्रक्रिया आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आप 17 सितंबर से लेके 5 वर्ष से पहले करना होगा। दोस्तों ऑनलाइन किस तरह आप फॉर्म भर सकते हैं इसका ऊपर मैंने कल वीडियो अपडेट दे दूंगा, लेकिन ऑफलाइन आप कैसे भर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसमें लिखा हुआ देखिए, सबसे पहले आपको लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म के लिए आपके राज्य के जो नजदीक में जो ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत में जाना होगा, वहां जाकर आपको ये योजना यानी कि लाडली बहना योजना के तरफ से जो फॉर्म है ये फॉर्म को लेना होगा, उसके बाद ये फॉर्म को आपको भरना होगा। फॉर्म में आपको जो भी जरूरी जानकारी दिया जाएगा आपको सभी जानकारी ध्यानपूर्वक फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको आवेदन के फॉर्म में मांगे जाए सारे जो दस्तावेज है ये दस्तावेज को एक साथ शामिल करना होगा, उसके बाद आपके दस्तावेज और फॉर्म एक साथ आपको ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। तो दोस्तों ग्राम पंचायत में अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा इसके भी बारे में बात करेंगे। दोस्तों पंचायत में जाने के बाद इस तरह आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तरफ से इस तरह फॉर्म दिया जाएगा। अगर आप सभी को इस तरह फॉर्म नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उनमें क्लिक करके आप लोग ये जो फॉर्म है ये फॉर्म को डाउनलोड करके आसानी से फिलअप करके आप पंचायत में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन की फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं
चैनल पे पहले बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कल तक आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को बीच में और एक वीडियो का अपडेट लेके। जय हिंद, जय भारत।